महाराष्ट्र के अंबरनाथ से खबर है, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली हैं। दरअसल बैलों की रेस चल रही थी। बैलों की रेस में शर्त लगाने को लेकर ये विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है, दे दनादन गोलियां चली। विवाद के बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बैलों की रेस में शर्त लगाने को लेकर ये विवाद चला गया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ से ये बड़ी खबर आप तक। दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ से गोलियां चली। बैलों की रेस में शर्त लगाने को लेकर विवाद हुआ। सुनिए जरा गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुनिए। राय शपथ। राय शपथ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंबरनाथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट आप सुन सकते हैं। एक के बाद एक लगातार फायरिंग हो रही है। दो गुट थे जो आपस में भिड़ गए। बैलों की रेस चल रही थी और शर्त लगी थी दरअसल, और बैलों की रेस में शर्त लगाने के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। शिवानी हमें और जानकारी देंगी। शिवानी, क्या अपडेट मिल पा रही है? जो लोग फायरिंग कर रहे थे, क्या वो पुलिस के हत्थे चढ़ पाए हैं? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ये दोपहर का वक्त था जब दोनों ही पक्षों द्वारा अपने अपने बैल लाए गए थे गांव से, और मुंबई से सटे थाने इलाके के अंबरनाथ इलाके में ओपन ग्राउंड के अंदर जो है बैलों की रेस लगाई गई थी। इसी दरमियान जो होता है कि कुछ कानूनों का उल्लंघन होता है और दूसरा पक्ष जीतता है, जिसके चलते जो ये लोग हैं, इन लोगों के बीच में पहले विवादित बयान शुरू होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और फिर वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों ही जो समूह हैं वो अपने पक्ष में और लोगों को वहां पर बुलाते हैं, जमा करते हैं, और इसी दरमियान फायरिंग की वीडियोस भी हमने देखी कि सामने आ जाती हैं। ये वीडियो तब बनाया गया जब जो फायरिंग थी वो दोनों पक्षों द्वारा एक साथ की गई। वहां पर मौजूद जो लोग इस बैल की रेस को देखने आए थे, उन लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया। हालांकि मौका वारदात पर वहां पर पुलिस पहुंचती है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इसकी फिलहाल मामला दर्ज करके, तो जो लोग फरार हैं उनको पुलिस तलाश रही है। जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह शिवानी हमें बता रही है। शिवानी, अब खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे।